हेलो एवरीवन, गायत्री की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी मालपुए। आइए देखिए इस सब की सामग्री। एक कप मैदा है, आधा कप सूजी है, एक चौथाई आटा है गेहूं का, एक कप मावा है, एक चम्मच इलायची पाउडर है, कुछ कटे हुए पिस्ते के पीस हैं 10-15, सौंफ का एक चम्मच पाउडर है, ये केसर है जो हमने दूध में घोल के रखी है, तलने के लिए घी है, बैटर बनाने के लिए दूध है, ये सारे ड्राई फ्रूट हैं जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखे हैं, 1.5 कप चीनी है जिससे हम चाशनी बनाएंगे। आइए अब बैटर तैयार करते हैं। मैदा डालेंगे, सूजी भी डालेंगे, थोड़ा सा आटा है, मावा से मावा मिलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, इसे बिल्कुल चिकना कर लेंगे। इलायची पाउडर डालेंगे, सौंफ पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे, ये दूध में केसर मिला के रखा है इसे डाल लेते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। इसे इतना मिलाएंगे, एक भी लम्स ना रहे, स्मूथ हो जाए। अब इसे ढक के रख देते हैं। अब इसको 3 घंटे के लिए ढककर रखते हैं। अब 1 कप पानी डालते हैं। 1.5 कप चीनी भी डाल दिए इसमें। अब इसे मिलाते हैं। अब इसे बॉयल होने देते हैं। चाशनी भी ऐसी रखेंगे, एकदम गाढ़ी नहीं होगी, रसगुल्ले जैसी चाशनी रखनी है। थोड़ी सी केसर भी डाल देते हैं, चाशनी का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब हमारी चाशनी तैयार हो गई है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 कार की चाशनी तैयार हो गई है। अब इसे उतारते हैं। अब बैटर हमारा तैयार हो गया, पैन भी गरम करते। अब इसमें घी डालेंगे, चाहे देसी घी में बनाओ चाहे ऑलिव ऑयल में बनाओ। घी गरम हो चुका है, अब पैन में बैटर डालेंगे।
इसकी मदद से इसे पलटते हैं। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं, घी को निचोड़ लेते हैं, एक प्लेट में रखेंगे। एक बार और डाल लेते हैं। अब इसके ऊपर घी भी डालते जाएंगे ताकि ऊपर से भी सिक जाए। पलट लेते हैं। अच्छा फूल गया, एक और डालते हैं। इसके ऊपर भी घी डालते जाएंगे। दोनों साइड से सिक जाएगा। इसको पलट लेते हैं। इसी तरह सारे मालपुए सेक लेते हैं। अब हमारे मालपुए सिक चुके हैं, इन्हें चाशनी में डालेंगे 5 मिनट के लिए। मालपुए रेडी हो चुके हैं, चाशनी अच्छे से जा चुकी है। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इनको गार्निश करते हैं। रबड़ी डालेंगे इनके ऊपर। पिस्ते डालेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।